सज्जनों, एक समय की बात है, गोरखनाथ भर्तरी दोनों उपवन में ढूंढा तप रहे थे। उधर इंद्र की परी मेनका नाच गान कर रही थी, तो भर्तरी मेनका के नाच को देख करके आसक्त हो जाते हैं। गोरखनाथ करने लगे, भर्तरी भोग भोगने की इच्छा है, तो गुरु से कोई बात छुपाई नहीं। भर्तरी ने कह दिया, हाँ महाराज जरूर है। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, जा सकते हो अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए। तो 12 साल के लिए गोरखनाथ जी भर्तरी को भोग भोगने के लिए भेज देते हैं। तो सज्जनों, कैसे भर्तरी उज्जैन शहर के राजा बनते हैं और क्या होता है। अरे गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। मृत्युलोक में आए थे वो बढ़कर गंधर्व ज्ञानी, गंद्रसेन जयंत बने ये बातें बहुत पुरानी। हाँ गंद्रसेन जयंत बने ये बातें बहुत पुरानी। इतिहासों में लिख राखी से सत की कथा सुहानी, बानम दे रानी थी सजनों। इतिहासों में लिख राखी से सत की कथा सुहानी, बानम दे रानी थी सजनों। सुंदर मुखड़े वाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। हाँ गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के थे पूरे प्रतिपाली। बड़े बेटे हुए भरतरी छोटे विक्रम भाई, मैनावती सतवंती भी उसी कूक से जाई। मैनावती सतवंती भी उसी कूक से जाई। बेटी का कोई धन में धन ना हो जा दे पराई, पद्म सेन धारा नगरी में उसकी करी सगाई। पद्म सेन धारा नगरी में उसकी करी सगाई। लेने आया खास जवाई गीत बथेरा गाली, लेने आया जवाई साथ गीत बथेरा गाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अभी रे गंद्रसेन उज्जैन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के थे पूरे प्रतिपाली। पूरे थे प्रतिपाली रे, पूरे थे प्रतिपाली। अमन चमन सुख चैन प्रजा के
पल घटते स्वासा, परसु महीने घटते दिन दिन पल पल घटते स्वासा। राधा रानी बूटे होकर हुआ स्वर्ग का पासा, मोह माया का जाल जगत में झूठी लागे आशा, मोह माया का जाल जगत में। जब से मानस जाता खाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। अभी रे गंध तैन उजीन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। राज तिलक की तैयारी हो रही, बजरे गाजे बाजे, सिंहासन पर आप भरतरी राजा बने विराजे, सिंहासन पर आप भरतरी राजा बने विराजे। नीचे शीश झुकावन लागे थे राजा महाराजे, सतगुरु सिंह नाथ किया दिव्य सूरत साजे, सतगुरु सिंह नाथ की इंद्रासन भी लाजे था। रघुवीर कथा नू चाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। हाँ गंदर सेन उजीन शहर के राजा थे बलशाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली, पूरे थे प्रतिपाली रे ओ, पूरे थे प्रतिपाली, अमन चमन सुख चैन प्रजा के पूरे थे प्रतिपाली। इस तरह से इंद्र के बेटे गंधर्व सेन को श्राप बस मृतलोक में जयंत बनकर आना पड़ा था, और पानमदेव रानी के साथ में शादी हुई जिसके दो पुत्रों ने जन्म लिया, बड़े पुत्र भरतरी और छोटे विक्रम हुए, एक बहन मैनावती जो उसी कूक से जन्मी थी जो धारा नगरी में राजा पद्म सेन को ब्याही थी। सजनों समय बीता जा रहा था, भरतरी उज्जैन शहर के सिंहासन पर राजा बने ब्राज रहे थे, प्रजा में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, उधर सजनों पिंगल देश में इंद्र की परी मेनका पिंगला के रूप में पैदा हो जाती है, और भरतरी पिंगला के रूप को देखकर उस पर आसक्त हो जाते हैं, राजकाज सब छोड़ करके महाराजा भरतरी पिंगला के साथ शादी करते हैं, और पिंगला के प्रेम जाल में महाराजा भरतरी कैसे फंस जाते हैं। अरे आगे आदि तेरी पिंगला उठी महल में आ गया, तेरे बिन मेरा दरबारू में जी को ना ला गया, तेरे बिन मेरा दरबारू में जी को ना ला गया। अब रे आगे आज तेरी पिंगला उठ रे महल में आ गया, तेरे बिन मेरा दरबारों में जी को ना ला गया। हाँ तेरे बिन मेरा दरबारों में जी को ना ला गया, दरबारों में जी को ना ला।
काली काली घटा गिरी तेरे बाल जाल में, काली काली घटा गिरी तेरे बाल जाल में, सेव की सी लाली दम के तेरे गाल में, सेव की सी लाली दम के तेरे गाल में, ताती बाल बाल में ठंडी छाया सी पा गया, तेरे बिन मेरा दरबार में जीको न्या लाग्या, तेरे बिन मेरा दरबार में जीको न्या लाग्या, अब रे आगे आग तेरी पिंगला उठ रे महल में आ गया, तेरे बिन मेरा दरबार में जीको न्या लाग्या, तेरे बिन मेरा दरबार कमर कसर नहीं कोई मुर्गाई सी चाल प्यारी, लच के कमर कसर नहीं कोई मुर्गाई सी चाल प्यारी, मृग नहीं पिक बहनी लागे बड़बेरी सी हाल प्यारी, मृग नहीं पिक बहनी लागे प्यारी हर बार धड़कता मेरा, देख देख के दिल प्यारी हर बार धड़कता मेरा, आंख तीर कमान जैसी गोली सीधा गया, तेरे बिन मेरा दरबारों में जीको न्या लाग्या, तेरे बिन मेरा दरबारों में जीको न्या लाग्या, तेरे बिले मेरा दरबारों में जी को न्या लाग्या, रूप गजब का पिंगला तेरा हो गया मन का छाया, रूप गजब का पिंगला तेरा हो गया मन का छाया, बहादुर सिंह के चरणों में सिर नाथ सिंह लाया, बहादुर सिंह के चरणों में से बड़ी जोड़ी ग्राम बताया, बड़ी जोड़ी ग्राम बताया, कविता जाल बिछा गया, तेरे बिन मेरा दरबारों में जीको न्या लाग्या, तेरे बिन मेरा दरबारों में जीको न्या लाग्या, आगे आग तेरे
तो सजनों इस तरह भर्तरी रानी पिंगला के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। गुरु गोरखनाथ के दिए हुए 12 साल को भर्तरी कत ही भूल जाते हैं। उधर जंगल में दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ आ जाते हैं तो खाली धुना दे करके दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, भर्तरी ये धुना और आसन खाली क्यों पड़ा है? गोरखनाथ कहने लगे, ये धुना और आसन भर्तरी नाथ का है। भर्तरी के कुछ भोग भोगने की इच्छाएं थी, इसलिए महाराज मैंने उसको 12 साल के लिए भेज दिया और भर्तरी को गए 11.5 साल हो चुके, थोड़े दिन में आ जाएगा। दादा मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, गोरख 11.5 साल हो गए, 12 साल पूरे होने पर भर्तरी नहीं आएगा, इसलिए जाओ पहले भर्तरी को लेकर आओ। तो गोरखनाथ जी भर्तरी को लाने के लिए चल देते हैं। सजनों गोरखनाथ जी ने किस प्रकार अपनी माया रचना शुरू कर दी, कुछ दूरी पर जाकर के गोरखनाथ ने एक तोती को मारी। उसकी आत्मा एक मोहनी नाम की वेश्या थी, उसमें प्रवेश कर दी और मोहनी की आत्मा जो रंडी की आत्मा थी पिंगला के शरीर में प्रवेश कर दी और पिंगला की आत्मा को गोरखनाथ जी अपने पास में रख लेते हैं और खुद गोरखनाथ एक साधारण इंसान बनकर के राजा के दरबार में चले जाते हैं। कहने लगे, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। तो भर्तरी क्रूर सिंह की सुंदरता और रूप को देख करके घोड़ों की देखरेख का काम सौंप देते हैं, अपने पास नौकर रख लेते हैं। कुछ समय बाद सजनों एक पड़ोस के राजा का पहलवान आ जाता है। पहलवान को देख करके क्रूर सिंह जो घोड़ों का सहिष्ठा राजा से कहने लगा, महाराज मैं इस पहलवान से कुश्ती करना चाहता हूं। भर्तरी कहने लगे, क्रूर सिंह तू एक साधारण इंसान नौकरी करने वाला और ये एक राजा का पहलवान, तेरी और इसकी कुश्ती अनमेल है, इसलिए हम इस कुश्ती की आज्ञा नहीं दे सकते। क्रूर सिंह नहीं मानता है तो राजा भर्तरी ने सब रजवाड़ों में खबर करवा दी। आसपास के राजा महाराजे इकट्ठे हो जाते हैं, क्रूर सिंह और पहलवान की कुश्ती होती है। उधर झरोके में बैठी पिंगला पहलवान और क्रूर सिंह की कुश्ती को देख रही थी। क्रूर सिंह पहलवान को मार के गिराता है। क्रूर सिंह की वीरता और सुंदरता को देख करके पिंगला उस पर आसक्त हो जाती है और पिंगला अपने गल का नोल का हार क्रूर सिंह पर फेंकती है। क्रूर सिंह पिंगला के हार को अपने पास छुपा लेता है, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता है। तो सजनों क्या होता है, अरे पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार झरोके में, अरे क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार झरोके में, पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार झरोके में, क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार झरोके में, पिंगला रानी कर बैठी बैठी श्रृंगार झरोके में, थोड़े से
हर जरो के में हर जरो के मेरे भेजा हर जरो के में क्रूर सिंह पर भेजा दल का हर जरो के में हर जरो के में पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के में क्रूर सिंह पर भेजा दल का हर जरो के हार जरो के में क्रूर सिंह को देख रानी चक्कर खा के गिर गई बेराना के जादू होगा नजर राम की फिर गिरे नजर राम की फिर गई दोनों की हो गई सदनों आंखें दोनों की हो गई सदनों आंखें चार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या दल का हार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं हार जरो के मैं जी फेंक्या हार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं हार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्या गल का हार जरो के मैं पागल जैसी हो की रानी लग्या रूप का पलका के मरु कटारी खाकर मेरे काम नहीं बल का काम नहीं बल का एक दूजे से हो गया इनको प्यार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या दल का हार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं हाँ पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं फेंक्या गल का हार जरो के मैं मेरे महल में आ जा तो मेरे खिल जा के सर क्यारी इस चाकर बिन पिंगला तेरी सुनी दुनियादारी सुनी दुनियादारी बैठी बैठी पिंगला करे विचार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं हाँ पिंगला रानी कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं क्रूर सिंह पर फेंक्या गल का हार जरो के मैं कर बैठी श्रृंगार जरो के मैं
पागल त्योहार जरो के में ना ठुसक के इस करनी से ना बेड़ा पार तिरे से रानी पिंगला गोरु के चाकर से प्रेम करे से चाकर से प्रेम करे से दिल अपने का खो बैठी दिल अपने का खो बैठी संसार जरो के में पिंगला रानी कर बैठी पिंगला रानी कर बैठी सिंगार झरो के मैं क्रूर सिंह पर मैं क्या गल का आ झरो के मैं पिंगला रानी कर बैठी सिंगार झरो के मैं क्रूर सिंह पर मैं क्या गल का हार झरो के मैं हार झरो के मारे हार झरो के मैं क्रूर सिंह पर है क्या गल का हार झरो के मैं हार झरो के मैं हाँ पिंगला रानी कर बैठी सिंगार झरो के मैं क्रूर सिंह पे है क्या गल का हार झरो के मैं तो सजनों प्रेमी यानी सजनों रानी पिंगला इस तरह से क्रूर सिंह पर मोहित हो जाती है और सबसे चतुर एक बांदी थी उसको रानी अपने पास बुलाती है और एक पत्र देकर कहती है कि इस पत्र को क्रूर सिंह को ले जाकर दे दे, इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो सजनों इस तरह से बांदी जल्दी करके घुड़साल में चली जाती है और पत्र क्रूर सिंह को दे देती है। कहने लगी, क्रूर सिंह जी, आपको रानी पिंगला ने महलों में याद किया है। तो सजनों क्रूर सिंह पत्र को पढ़ता है, रानी पिंगला का प्रेम भरा वार्तालाप मिलता है। पत्र को पढ़ते ही क्रूर सिंह पिंगला से मिलने के लिए चल देता है। महल की पिछली खिड़की में लटकाई गई सीढ़ी से अंदर प्रवेश कर जाता है। रानी पिंगला इंतजार कर रही थी क्रूर सिंह को देख करके रानी गले में बाहर डाल करके प्रेम दर्शाती है। तो सजनों इस प्रकार रानी पिंगला और क्रूर सिंह में प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा था। इतनी ही देर में विक्रम महल के चौक में आ जाता है और अजनबी आवाज सुनकर के विक्रम चौक जाता है। पिंगला के कमरे का दरवाजा खटखटाता है तो विक्रम पिंगला से कहने लग गया। विक्रम मन में विचार करता है, अजनबी आवाज रानी पिंगला के महल में, पराया पुरुष कौन हो सकता है। तो सजनों देवर भाभी के क्या वार्तालाप होता है। विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे अमर कहानी में भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी बाणी में भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे अमर कहानी में भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी बाणी में भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी बाणी में विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरे अमर कहानी में भाभी से नू पूछे देवर भाभी मने
मेल पड़ा तेरा दिल का भरम मिटा दे। खोल देख ले मेल पड़ा तेरा दिल का भरम मिटा दे। नहीं भरम की बात भाभी खोल दिखा दे। कर ले भैम दवाई कोना पंडित वैद्य बुला दे। कर ले भैम दवाई कोना साबत आंख घला दे। काजल सोए ना कानी में भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी वाणी में। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी में। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरी अमर कानी में। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी में। हाँ भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी में। करड़ी करड़ी वाणी में करड़ी करड़ी वाणी में। भाभी से नू देवर करड़ी करड़ी वाणी में। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी में। मारे वंश में होकर रानी मारे वंश में होकर रानी करती डूबा डेरी। खाम खाम बदनाम करे क्यों अकल बिगड़ गई तेरी। खाम खाम बदनाम करे क्यों जुल्म कर दिया भाभी तूने। जुल्म कर दिया भाभी तूने नाग जगा दिया झेरी। पिंगला रानी बोली विक्रम किसे जन्म का भरी। पिंगला रानी बोली विक्रम किसे जन्म का भरी। विक्रम बोला जुल्म किया तन आग लगा दी पानी में। भाभी से नू देवर करड़ी करड़ी वाणी में। भाभी से नू बोले देवर करड़ी करड़ी वाणी में। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरी रे अमर कहानी में। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी में। हाँ भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी में। पिछवाड़े से क्यों सिल्डी लटके से। कर्ण सफेदी डर राखी तेरा जी क्यों भटके से। डर राखी तेरा जी क्यों भटके से। गुरु बहादुर सिंह का हाथ शीश पर फिर क्यों अटके से। पिछवाड़े नाथू सिंह के पिछड़े हो गया बहुत समय मेरा जी में खटके से। नाथ सिंह के सुन रानी तेरी सब बदमाशी जानी मैं। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी मैं। भाभी से नू पूछे देवर करड़ी करड़ी वाणी मैं। हाँ विक्रम पिंगला जवाब सवाब तेरी अमर कहानी में। सजनों एक दिन राजा भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। भर्तृहरि को एक महात्मा जी मिल गए। उन्होंने भर्तृहरि को एक अमर फल दिया था कि राजा ये मैं आपको अमर फल देता हूँ, इस अमर फल को आप खा करके अमर हो जाओ। सजनों राजा भर्तृहरि को पिंगला से प्यारी संसार में कोई चीज नहीं थी। राजा अमर फल को नहीं खाता है, ला करके अपनी प्यारी पिंगला को देता है। पिंगला घोड़ों का सही से जो क्रूर सिंह था उससे प्रेम करती थी। रानी पिंगला भी अमर फल को नहीं खाती है, अपने प्रेमी क्रूर सिंह को फल को दे देती है कि क्रूर सिंह तू इस अमर फल को खाओ और खा करके अमर हो जाओ। सजनों क्रूर सिंह अमर फल को ले लेता है, लेकिन क्रूर सिंह भी फल को नहीं खाया।
क्रूर सिंह मोहनी नाम की जो वैसाथी रंडी थी उससे प्रेम करता था। अमरफल ले जाकर के क्रूर सिंह अपनी प्रेमी प्रेमिका जो मोहनी रंडी थी उसको ले जाकर देता है कि मोहनी तुम इस अमरफल को खाओ और अमरफल को खा करके अमर हो जाओ। सजनों, इस प्रकार सजनों रानी पिंगला संभल करके विक्रम से सवाल जवाब करती है और महलू के अंदर त्रिया जाल बिछा देती है। तो बताया ऐसी विक्रम ने देख रानी को मर गयो पानी। हाँ जी मर गयो पानी। अरे त्रिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी रे। त्रिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी। त्रिया जाल बिछा लागी रंग रे महल में रानी रे। त्रिया जाल बिछा तेरो महल में के काम। हाँ जी महल में के काम। तू तो चावे मरना मने मत करे बदनाम। तिरिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी रे। तिरिया जाल बिछा लागी रंग महल में रानी। हाँ तिरिया जाल बिछा लागी रंगी महल में सजनों। इस तरह का रूप बना करके पिंगला हाथ में कोलडा लेकर के विक्रम को मारना शुरू करती है। और कहने लगी अरे मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का बता काम के तेरा। आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता। मेरे महल में आने का तेरा काम के बता। काम क्या बता रे तेरा काम क्या बता। काम के बता रे तेरा काम के बता। काम क्या बता रे विक्रम काम क्या बता। मेरे महल में मात समान लघु सूतरी। मात समान लघु सूतरी चावे से लुगाई। मात समान लघु सूतरी रे
जरा समझ ना आईयो खोटी नी तबिचारी रे विक्रम जरा समझ ना आई राजा ने आवन दे विक्रम खाएगा खता मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता आवन का तेरा काम के बता मेरे महल में आवन का तेरा काम के बता काम क्या बता रे विक्रम काम क्या बता काम क्या बता रे विक्रम रे काम के बता काम क्या बता रे विक्रम काम क्या बता मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता हाँ मेरे महल में आने का के काम के बता जुल्म कर दिया नालायक जुल्म कर दिया नालायक विक्रम आया चोरी चोरी जुल्म कर दिया नालायक विक्रम आया चोरी चोरी जुल्म कर दिया नालायक तू आया चोरी चोरी दुगनी उम्र खपाई से मैं नहीं उम्र की छोरी माँ बेटे का तेरे मेरे बीच में नता मेरे महल में आने का तेरा काम क्या बता हाँ मेरे महल में आने का तेरा काम के बता इतनी बात सुनकर के विक्रम रोता हुआ महल से रवाना हो जाता है और राजा भर्तृ से जाकर शिकायत करता है कि इधर सजनों रानी नगर सेठ दीन दयाल को बुलाकर कहती है थोड़ा मेरा काम करना पड़ेगा। जब राजा भर्तृ महल में आकर पूछे तो तुमको ये गवाह देनी होगी कि तुम्हारा भाई विक्रम वास्तव में बदमाश है क्योंकि मेरे बेटे की बहू से भी रोज छेड़छाड़ करता है लेकिन महाराज हम आपके डर से आपको हम कोई शिकायत नहीं करते हैं। दौलत के लोभी लोभ में आकर के सेठ दीनदयाल झूठी गवाह देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रानी पिंगला कोप भवन में खटवा की पार्टी लेकर लेट जाती है। सजनों किस तरह का हाल रानी बनाती है और क्या होता है अरे कोप भवन में सोगी रानी ले खटवा की पार्टी बिखरे बाल हाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी बिखरे बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी अपने कोप भवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पार्टी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरे चोटी आटी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी बिखरी चोटी आटी रे या बिखरी चोटी आटी बिखरे बाल हाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी अपने को पवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पार्टी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी के जंगल की छिड़ी शेरणी गर्ज छो मैं आकर बणी काल का लट बिखराए मानस भकले वन खातर बणी काल का लट बिखराए मानस भकले वन खातर सुना हो जा मैं लका गले डोले से सुना पा कर रानी दी दासी की जइया सोगी कमरे में जाकर रानी बिदासी की जैया सोगी कमरे में जाकर
खातर विसजू पूरे कुणबे, खातर विसजू कुणबे की हो जाती माटी। बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी चोटी आटी, बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी चोटी आटी। अपने को पवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पाटी, बिखरे हाल बाल बेडंगे बिखरे चोटी आटी। विक्रम मजा चखाऊंगी, राजा आगे विक्रम तेरा झूठा दोष लगाऊंगी, राजा आगे विक्रम तेरा झूठा दोष लगाऊंगी। झूठी साची तोड़ तोड़ के पति न बैठा सुनाऊंगी, मेरे दिल में साले कांटा जिसने काट बगाऊंगी। हाँ, मेरे दिल में साले कांटा जिसने काट बगाऊंगी। खुशी मनाऊंगी तड़के में करूं मलीदा बाटी, बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरे बाल हाल बेडंगे बिखरी चोटी आटी। आपको पवन में सोगी पिंगला रे ले खटवा की पाटी, बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरी चोटी आटी रे, बिखरी चोटी आटी। बिखरे बाल हाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। बिखरे हाल बाल बेढंगे बिखरी चोटी आटी। तो सजनो, इस प्रकार रानी पिंगला कोप भवन में लेटी हुई विचार करती है, और उधर से महाराजा भर्तृ महल में आते हैं और रानी के हाल देख करके कहने लगे, रानी पिंगला तेरी यह हालत क्यों, बता जल्दी बता। आज मेरे हुए होते हुए मैं तेरी यह हालत नहीं देख सकता। पिंगला रानी मन बता के बात हो गई, अरे भला के मामावस की सी रात हो गई। महला के मामावस की सी रात हो गई, पिंगला रानी मन बता के बात हो गई। महला के मामावस की सी रात हो गई, महला के मामावस की सी रात हो गई। पिंगला रानी मन बता के बात हो गई, अपने महला के मामावस की सी रात हो गई, महला के मामावस की सी रात हो गई। उठ प्यारी श्रृंगार करो क्यों नीचे पड़ी चिल्लाती हो, क्या दर्द है क्या सदमा है क्या मांगती क्या चाहती हो, क्या दर्द है क्या सदमा है क्या मांगती क्या चाहती हो। कौन चीज तन मिली नहीं, कौन चीज मिली नहीं जिसकी चाहत हो गई। महला के मामावस की सी रात हो गई, महला के मामावस की सी रात हो गई। हाँ, पिंगला रानी मन बता के बात हो गई, महला के मामावस की सी रात हो गई, महला के मामावस की सी रात हो गई। पिंगला रानी मन बता के बात हो गई, महला
रात हो गई। किस जालिम ने हरकत की नी, किसकी आई बुरी घड़ी। कौन हाथ से मरना चावे, मौत शीश पे आन खड़ी। उज्जैन शहर की नौका तेरे हाथ हो गई। मला के मामा बस किसी रात हो गई। मला के मामा बस किसी रात हो गई। हाँ पिंगला रानी मने बता के बात हो गई। मला के मामा बस किसी रात हो गई। तो सजनों राजा रानी की बात को नगर सेठ दीनदयाल की झूठी गवाही देने के द्वारा मान लेता है। विक्रम को बदमाश समझ करके जल्लादू को हुक्म दे देता है कि इसको जंगल में ले जा करके इसकी आंख निकाल करके तुरंत मेरे को ला कर दो। जल्लाद राजा का हुक्म सुनकर के तुरंत विक्रम को जंगल में ले जाते हैं और जाते हुए विक्रम अपने भाई भर्तृ से कहने लग जाता है। अरे आज कब याद राखिए विक्रम भाई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। अब रे आज का बोला याद रखना विक्रम भाई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। आज दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। सारी दुनिया जाने भरतरी तेरी कहानी ने। ठीक फैसला त्यार किया तेरी पिंगला रानी ने। अब रे ठीक फैसला त्यार किया तेरी रे पिंगला रानी ने। कुछ तो कह दी नगर सेठ कुछ सेठानी ने। हाथ पकड़ कर काडियर भाभी मन सिखानी ने। अब रे हाथ पकड़ कर काडिया भाभी मन सिखानी ने। ओरा को के बेरा होश पीड़ पर आई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। आज कब लिया याद रखना विक्रम भाई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। तेरी पिंगला नहीं काम की जिसकी करे हिमात से। कोतवाल और पिंगला की बस एक ही बात से। अब रे कोतवाल पिंगला की अब एक ही बात से। बंदर वाली डोर भरतरी तेरे हाथ से। बिना खोट मरवा दे बिना खोट मरवा दे से या वीरा की जात से। हाँ बिना खोट मरवा दे से वीरा की जात से। कहा कर से कटे जाट का सिख नाई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। दुनिया में से खो देगा तन बैम लुगाई का। आज कब याद रखना रे विक्रम भाई का। दुनिया मा से खो देगा तन बैम लुगाई का। आज दुनिया मा से खो देगा तन बैम लुगाई का। सजनों जल्लाद विक्रम को मारने के लिए लेकर के चल देते हैं।
पीछे पीछे नगर सेठ भी चला जाता है। तो सेठ दीनदयाल जल्लादों को धन का लालच देकर के विक्रम को जिंदा छुड़वा लेता है। उधर जल्लाद किसी मृग को मार करके उसकी आंख निकाल करके राजा को लाकर दे देते हैं। राजा अपनी प्यारी पिंगला को देता है, पिंगला एडी के नीचे देख करके आंख को घोर देती है, विचार करती है कि आज मेरा रस्ते का कांटा खत्म हो गया। सजनों, अमरफल वाला जो किस्सा था, वो क्रूर सिंह नाम का जो नौकर था, अमरफल मोहनी रंडी को देता है। मोहनी अमरफल को लेकर के विचार करती है कि तू फल को खाकर क्या करेगी, ये फल राजा भर्तरी जो नगरी का राजा उसको देना चाहिए। राजा अमर हो जाएगा, प्रजा की सेवा करता रहेगा, जनता सुख पाएगी। तो मोहनी अमर फल ले जाकर के राजा को देती है। महाराजा, अमर फल लाई हूं, आप इसे खाकर अमर हो जाओ। आप राजा हैं, दयावंत हैं, कृपा निधान हैं, आपके राज में जनता सुख पाएगी। राजा अमर फल को देख करके चक्कर में पड़ जाता है कि ये अमर फल तो वही है जो महात्मा जी ने मेरे को दिया था। राजा अपनी रानी पिंगला को बुलाता है और पूछता है, प्यारी पिंगला, वो अमर फल कहाँ है? रानी कहने लगी, महाराजा, मैंने उसी दिन अमर फल को खा लिया था। तो तुरंत राजा अमर फल को निकाल करके रानी के सामने रखता है कि ये अमर फल वही तो नहीं है। रानी कहने लगी, ये अमर फल तो वो नहीं, दूसरा है। तुरंत राजा घोड़ों के सहित क्रूर सिंह को बुलाता है, पूछता है कि क्रूर सिंह, ये अमर फल तुमने कहां से प्राप्त किया? क्रूर सिंह ने सच बयान कर दिया कि मैंने मेरी प्रेमिका पिंगला से प्राप्त किया और मैंने मेरी प्रेमिका मोहनी को ले जा करके दिया। तो क्रूर सिंह रानी की पिंगला का नाम बताता है और कहने लगा, महाराजा, यही पिंगला जो आपके सामने खड़ी है, इसी ने मुझे अमर फल दिया था। इतना कहकर के क्रूर सिंह अपने सीने में तलवार घोंप लेता है और वहीं खत्म हो जाता है। और राजा अपने भाई विक्रम की याद में फूट फूट के रोने लग जाता है। सजनों, नगर सेठ दीनदयाल आकर कहने लगे, महाराज, आपके भाई को कोई मिला दे तो क्या दोगे? राजा कहने लगे, मैं उसे मेरा आधा राज दे दूंगा। सजनों, नगर सेठ विक्रम को गुप्त तहखाने से निकाल करके भर्तरी के सामने खड़ा कर देता है। दोनों भाई मिल जाते हैं, आधा राज सेठ दीनदयाल को दे दिया, आधा राज भाई विक्रम को दे करके राजा भर्तरी परम फकीर बन जाते हैं। उधर क्रूर सिंह खत्म होते ही गोरखनाथ अपना असली रूप धार लेते हैं और भर्तरी से कहने लगे कि भर्तरी, क्या अभी भी भोग भोगने की इच्छा है? तो भर्तरी बोले, नहीं महाराज, अब तो एक ही इच्छा है, उपवन में जाकर के गुरु की सेवा करूंगा।